मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मॉनसून के विदाई के दौर में ही हो रही तेज बारिश ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। वर्तमान में खेतों में सोयाबीन की फसल सूख चुकी है, वहीं कपास भी निकलना शुरू हो गया है, लेकिन तेज बारिश के कारण खेतों में सूख चुकी सोयाबीन और कपास के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। बारिश के कारण सोयाबीन और कपास की क्वालिटी के साथ ही उनका उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। वहीं किसानों ने कहा है कि बारिश के कारण नमी के चलते खेतों से सोयाबीन नहीं निकाल पाएंगे, नमी के चलते सोयाबीन के दाने भी फूल जाएंगे, इसके साथ ही कपास को पानी लगने से उसकी क्वालिटी भी प्रभावित होगी। दरअसल इस वर्ष जिले में 70,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की सोइंग की गई है, वही करीब 15 क्विंटल पर हेक्टेयर में उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि फिलहाल कुछ स्थानों पर किसानों को प्रति एकड़ 5 से 7 क्विंटल सोयाबीन का एवरेज मिल रहा है। वही कपास को लेकर उनका कहना है कि त्योहारों के चलते मजदूर नहीं मिलने से वे खेतों में कपास की चुनाई नहीं करवा पा रहे हैं, और दूसरी तरफ तेज बारिश के चलते सोयाबीन और कपास की फसल को बेहतर नुकसान देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।